कोलिजन। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कोलिजन। कोलिजन इज अ फिनोमेना इन विच रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट चेंज, यानी कि कोलिजन एक नेचुरल फिनोमेना है इन विच रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस। मान लो दो कार आ रही है, कोलाइड कर जाती है, टक्कर हो जाती है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों बदल जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे? इस फिनोमेना को हम नाम देंगे कोलिजन। गैस के दो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं और रैंडम मोशन करते हुए बार बार कोलाइड भी करते हैं, बट इस प्रकार के कोलिजन में एनर्जी लॉस होती है। और जब दो बॉडी कोलाइड करती है तो कार टकराती है आपस में, तो उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कोलिजन इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन इलास्टिक कोलिजन इन विच एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बेसिकली काइनेटिक। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट होती, इनइलास्टिक में कॉन्स्टेंट नहीं होती। कोलिजन इज ऑफ टू टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक, मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फॉर इलास्टिक कोलिजन एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट काइनेटिक एनर्जी फॉर इलास्टिक कोलिजन डजंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इलास्टिक कोलिजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट ड्यूरिंग कोलिजन नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब मान लो कोई कोलिजन 2 सेकेंड तक होता है तो 2 सेकेंड की ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं होगी, बट बिफोर 2 सेकेंड एंड आफ्टर 2 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट होगी। टकराने से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, सपोज 10 जूल, तो टकराने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल ही होगी, बट ड्यूरिंग द कोलिजन जितने टाइम के लिए कोलिजन हो रहा होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं होगी। कोलिजन अननेचुरल फिनोमेना इन विच रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंजेस। जब वो टक्कर होती है तो उसमें डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों बदल जाती है, जैसे कैरम खेलते समय ही, या फिर कोई भी एग्जाम्पल हो इसका, जब दो टक्कर होती है तो उसमें डायरेक्शन और वेलोसिटी बदल जाती है। और कोलिजन दो तरह का हो गया, एक इलास्टिक कोलिजन एक इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन दोनों में मोमेंटम सेम होता है, कांस्टेंट रहता है, बट फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड फॉर इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी डजंट रिमेन कांस्टेंट। इलास्टिक कोलिजन फॉर वन डायमेंशन, फॉर नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिक कोलिजन फॉर वन डायमेंशन। कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी v1 एंड u2। बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले m1 और m2 मास के दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड u1 और u2 है एंड u1 इज ग्रेटर देन u2, जिससे ये इसको कैच करेगा और इसको कोलाइड करेगा। u1 मस्ट ग्रेटर देन u2 तभी ये इसको कैच करके कोलाइड करेगा। ड्यूरिंग कोलिजन ये आपस में टक्कर कर रहे हैं एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ दीज बॉडीज विल बी v1 एंड v2 एंड v2 इज ग्रेटर देन v1। कभी आप कोलाइड करने के बाद ये आगे निकल गया, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ m2 मस्ट ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ m1 आगे निकल गया, m1 को छोड़ दिया,
तो बी टू बी वन से ज्यादा होना चाहिए, बी टू इज ग्रेटर देन बी वन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होगी, बट ड्यूरिंग द कोलिजन चेंज होगा। जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी वही आफ्टर कोलिजन होगी, बट ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ और। अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल आफ्टर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल एम वन बी वन प्लस एम टू यू टू, बी वन को उधर ले लेंगे और एम वन कॉमन आ जाएगा, बी टू को उधर ले लोगे, यू टू को उधर ले जाओगे और एम टू कॉमन आ जाएगा, एम वन यू वन माइनस बी वन M2 और B2 टू माइनस यू। इक्वेशन वन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन वन इलास्टिक कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दोनों एनर्जी इक्वल होंगी। हाफ कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, हाफ कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू टू स्क्वायर इक्वल एम वन बी वन स्क्वायर प्लस एम टू बी टू स्क्वायर। अब एम वन को एक साइड कनेक्ट करेंगे और एम टू को अदर साइड कनेक्ट करेंगे और फिर उसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर इसको कॉमन ले लिया जाएगा, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर। आप m1 को इधर लाओगे कॉमन u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, m2 u2 को उस साइड ले जाओगे m2 b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन टू, नाउ वी कैन डिवाइड इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन, एम वन इक्वेशन टू में यू वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर, तो आप मैथमेटिकली इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो आएगा यू वन प्लस बी वन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में यू वन माइनस बी वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा u1 प्लस बी वन एंड u1 माइनस बी वन, और इसको डिवाइड कर रहे हैं आप इससे इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन से इसको डिवाइड कर दिया। इक्वेशन टू, एम टू बी टू माइनस यू टू बी टू माइनस यू डिवाइडेड बाई एम टू बी टू माइनस यू,
तो इधर कैंसिल होने के बाद बचता है u1 वन माइनस बी वन इक्वल बी टू प्लस यू टू, ये कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा u1 वन माइनस बी वन इक्वल बी टू माइनस यू वन प्लस बी वन इक्वल बी टू प्लस यू, ये इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, m1 से m1 बचता है u1 प्लस u और दर b2 प्लस u। तो यहां से u1 माइनस u2 इक्वल आ जाएगा b2 माइनस b1, u1 माइनस यू टू इक्वल बी टू माइनस बी, यू वन माइनस बी टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और बी टू माइनस बी वन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कोलिजन से पहले एक ऑब्जेक्ट की स्पीड यू वन थी और दूसरे की यू और यू वन डिफरेंट था यू टू, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई। जब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के पास किस स्पीड से आ रहा है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के पास कितनी स्पीड से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जैसे ये ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा था यू वन स्पीड से, इसको कैच कर रहा था, तो इसके पास आने की अप्रोचिंग स्पीड हो जाती है यू वन माइनस यू टू, और इधर ये दूर निकल गया तो इसके सेपरेशन की स्पीड हो जाती है v2 माइनस बी वन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यू वन इक्वल यू टू प्लस बी टू माइनस बी वन, ये यू वन की वैल्यू हो गई, यू टू प्लस बी टू माइनस बी वन। फ्रॉम इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू रख देंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन वन एम वन यू वन माइनस बी वन इक्वल एम टू बी टू माइनस यू टू, एम वन यू वन की जगह यू टू प्लस बी टू माइनस बी वन, u1 को रखा u2 टू प्लस बी टू माइनस बी वन, एक माइनस बी वन पहले से है, एम टू बी टू माइनस एम टू बी टू, एम वन यू टू प्लस एम वन बी टू माइनस टू एम वन बी वन, ये टू बी वन हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई माइनस टू एम वन बी इक्वल एम टू बी टू माइनस एम टू। अब आप यू टू को एक साइड पर लेंगे कलेक्ट, यू टू को एक साइड पर कलेक्ट करेंगे, एम वन यू टू, एम वन यू टू और ये उधर जाएगा प्लस एम टू यू टू इक्वल एम टू बी टू माइनस एम वन बी टू प्लस टू एम वन बी वन, इन दोनों को उस साइड भेज दिया और एम टू बी टू को इस साइड दे दिया। यहां से एम वन प्लस एम टू यू टू कॉमन आ जाता है इक्वल एम टू माइनस एम वन वी टू कॉमन आ गया प्लस टू एम वन बी। तो आप यू टू फाइंड करना चाहते हो तो ये आ जाएगा टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू बी वन, इसको डिवाइड में इधर भेज दिया इसके नीचे
इसका डिवाइड इसके नीचे हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1। तो ये u2 की वैल्यू आ गई। अब इस u2 की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो u1 आ गया। u2 की वैल्यू को u1 इक्वल u2 प्लस b2 माइनस b1 में पुट करने पर b1 आ जाएगा। तो हमारे पास b2 इक्वल 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 u2 वैल्यू आ चुकी है। b2 की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है b2 इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 u2। हमने b2 की वैल्यू फाइंड कर ली। फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की इक्वल होती है u1 माइनस u2 इक्वल b2 माइनस b1। तो यहां से आप b1 की वैल्यू ये फाइंड कर सकते हैं। b1 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, b2 है ही, u1 इधर आएगा तो माइनस और u2 इधर जाएगा तो प्लस। हमने इसकी वैल्यूज b1 की वैल्यू फाइंड कर ली इधर b2 के टर्म में। अब b2 इक्वल ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी b2 इक्वल इस b2 वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो b2 की वैल्यू हमने ये पुट की, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बाद में माइनस u1 प्लस u2 ये आ गया, माइनस u1 प्लस u2 इधर आ जाता है। u1 के साथ u1 का पेयर बना दिया, u2 के साथ u2 का पेयर बना दिया गया, u1 कॉमन आ गया, 1 रह जाता है इसकी जगह। जब आप u1 कॉमन लेंगे तो यहां u1 की जगह 1 रह जाएगा, u2 कॉमन लेंगे तो आप इसकी जगह 1 रह जाएगा। सिंपली एलसीएम लेना है दोनों ब्रैकेट का, एलसीएम लेते हैं 2m1 इसका 1 से मल्टीप्लाई, माइनस साइन है तो माइनस m1 माइनस m2 आएगा अपॉन m1 प्लस m2 u1 है ही ब्रैकेट के बाहर। इधर आप एलसीएम लोगे तो m2 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m1 अपॉन m2 प्लस m1 और u2 है तो ये आ जाता है m2 माइनस 2m1 से m1 सब्ट्रैक्ट हुआ, एक m1 बचा, यहां m1 से m1 कैंसिल, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। तो इस तरह से आपने v1 और v2 दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन की u1 एंड u2, अब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आ चुकी है v1 एंड v2। तो हमने वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड कर ली है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस है उसको हम पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस में क्या होता है। केस फर्स्ट, इफ मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, इफ मासेस ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज आर इक्वल, दोनों कोलाइडिंग बॉडीज का मास इक्वल है, m1 इक्वल m2, m1 इक्वल m2 आप यहां पुट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहां m1 इक्वल m2 पुट कर दोगे तो 2m1 अपॉन 2m1 बचेगा, 2m1 अपॉन 2m1, क्योंकि m2 को आपने m1 लिख दिया, m2 इक्वल m1, आपने m2 को m1 लिखा तो m1 प्लस m1 2m1 और ऊपर भी 2m1, 2m1 से 2m1 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा बिकॉज m1 ऊपर m2 कैंसिल हो जाएगा। तो v2 हो जाएगा u1, मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड थी आफ्टर कोलिजन वो दूसरे को मिल जाएगी एक मासेस आर इक्वल। यहां पर m1 ऊपर m2 पुट करोगे तो पहला टर्म 0 आ जाएगा, मास इक्वल है,
एम वन इक्वल एम टू, पहला टर्म जीरो आ गया, और दूसरे टर्म में आप एम वन को एम टू लिख दोगे, एम वन इक्वल एम टू है, एम वन को हमने एम टू लिख दिया, तो टू एम टू अपॉन एम टू प्लस एम टू, टू एम टू अपॉन एम टू प्लस एम टू कैंसिल, तो बी वन हो जाएगा यू, जो दूसरे की इनिशियल स्पीड थी वो आफ्टर कोलिजन पहले को मिल जाएगी, जो पहले की स्पीड थी वो आफ्टर कोलिजन दूसरे को मिल जाएगी, यानी स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी, स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी, पहले जो स्पीड थी वन और टू थी यू वन यू टू, अब यहां पर बी वन इक्वल हो जाएगा यू टू, यानी जो दूसरे की स्पीड थी वो पहले को मिल जाएगी, और जो पहले की स्पीड थी वो इधर सेकंड को मिल जाएगी, बी टू इक्वल यू वन, तो गलत होती है, इनका चेंज हो जाती है, मान लो एम मास एल लेंथ से कोई सिंपल पेंडुलम बनाया गया है और इसको फ्री कर दिया गया है, तो ये यहां पर आकर एम मास के किसी दूसरे स्पेरिकल बॉडी से स्ट्राइक करता है, इसका मास भी है इसका मास भी है, और ये यहां पर आकर इससे स्ट्राइक करता है, सेम मास है दोनों का, तो क्या होगा, अब ये यहां आके रेस्ट में आ जाएगा और ये आगे चला जाएगा, फाइनली क्या होगा, ये इधर रेस्ट में आ जाएगा और इसकी जो स्पीड थी यू उससे ये वाला जो मास है वो यू स्पीड से आगे चलता है, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, ये यहां आके रुक जाएगा और ये वाला बॉडी आगे चल जाएगी सेम स्पीड यू से, इंटरचेंज होगी, इसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं, इसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को रोकने के लिए या स्लो करने के लिए नियरली इक्वल मास के D2O हैवी वाटर मॉलिक्यूल D2O से कोलाइड कराया जाता है, जिससे न्यूट्रॉन अपनी स्पीड D2O हैवी वाटर मॉलिक्यूल को दे देते हैं और न्यूट्रॉन स्लो हो, न्यूट्रॉन का मास हैवी वाटर मॉलिक्यूल D2O के नियरली इक्वल होता है, तो एकदम से स्लो तो नहीं होते, जीरो स्पीड रेस्ट पर तो नहीं आता न्यूट्रॉन, लेकिन स्लो हो जाता है, अगर इनका मास नियरली इक्वल है तो ये यहां आकर रेस्ट में नहीं आएगा बट स्लो हो जाएगा, और इसकी स्पीड यू नहीं होगी बट नियरली इक्वल टू यू, इसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं, केस सेकंड, अब दूसरा केस पढ़ते हैं इसके बाद, इसमें एक बॉडी बहुत हैवी होगी जैसे अर्थ और दूसरी बॉडी बहुत लाइट होगी हल्की बॉडी जैसे कि बॉल, अगर हम एक बॉल को अर्थ के साथ कोलाइड कराएं तो बॉल जिस स्पीड से जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अर्थ सेम स्पीड से वापस आ जाती है, बॉल जिस स्पीड के साथ जाएगी अर्थ से टकराएगी सेम स्पीड से वापस आ जाएगी, और दूसरी बॉडी अर्थ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बॉडी एज इट इज रहती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसको स्टडी करना है, केस टू व्हेन मास ऑफ वन बॉडी
इज मच लार्जर देन अदर बॉडी, यानी कि कोलिजन जो हो रहा है वो हो रहा है, कोलिजन जो हो रहा है वो हो रहा है अर्थ और बॉल के बीच। मान लो एक बॉल को हम अर्थ से कोलाइड करा रहे हैं, तब क्या होगा? तो बॉल का मास है m1 और अर्थ का मास है m2। As we know, mass of earth is much larger than ball. Mass of earth is much larger than mass of ball. अर्थ का मास बॉल के मास से बहुत ज्यादा होता है। लेट लिया कि बॉल का मास m1 है और अर्थ का मास m2। बिफोर कोलिजन बॉल u1 स्पीड से आ रही है, अर्थ से कोलाइड करेगी। ऐसे बॉल को हमने अर्थ से मारा u1 स्पीड से, अर्थ रेस्ट पर है और आफ्टर कोलिजन हमने मान लिया कि बॉल की स्पीड v1 हो जाती है और अर्थ की स्पीड v2 हो जाती है। अब इस केस को स्टडी करेंगे कि यहां क्या होता है। m2 प्लस m1 की वैल्यू क्या है? m2 प्लस m1, as we know, m2 is much larger than m1, m2 m1 से बहुत ज्यादा है। तो पहली बात, m2 के साथ m1 को प्लस करोगे या m2 से m1 को माइनस करोगे? m2 प्लस m1 इज सिमिलर टू m2 एंड m2 माइनस m1 इज ऑल्सो सिमिलर टू m2। m2 में m1 ऐड कर दो तब भी रहेगा m2 ही, और m2 में से m1 लेस कर दो फिर भी m2 रहेगा। m2 प्लस m1 m2 होता है, यहां m1 माइनस m2 लिखा है तो ये माइनस m2 माना जाएगा क्योंकि m1 m2 की कंपेयर में नेगलिजिबल, और m1 ओवर m2, m2 इज मच लार्जर देन m1, तो बहुत बड़ी वैल्यू से जब डिवाइड करोगे किसी छोटी वैल्यू को तो ऑलमोस्ट जीरो आएगा, तो हम m1 अपॉन m2 को जीरो लिखेंगे। m2 के साथ m1 प्लस करोगे तब भी m2, m2 से m1 माइनस करोगे फिर भी m2, ये रिपीट कर लिख दिया है, और m1 को m2 से डिवाइड कर दोगे तो जीरो, क्योंकि m2 बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू m1, और यहां m1 नेगेटिवली है तो माइनस m2। ये v1 और v2 के इक्वेशंस हैं, फॉर्मूले जो हमने फाइंड किए थे। यहां पर अगर आप इन वैल्यूज को अप्लाई करोगे तो m1 माइनस m2, माइनस m2 के इक्वल होगा v1 हो जाएगा माइनस m2, और m1 प्लस m2, m2 होगा u1, ये जीरो है, u2 जीरो, तो ये टर्म तो जीरो ही हो गया, तो v1 आ जाता है माइनस u1, यानी कि बॉल जिस स्पीड से नीचे जाएगी अर्थ से स्ट्राइक करेगी तो उसी स्पीड से वापस आ जाएगी, u1 में कोई चेंज नहीं बट माइनस आ गया, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, हम जिस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर रहे हैं उसके अपोजिट बॉल वापस आ जाएगी। और यहां v2 इक्वल m1 प्लस m2 को आप लिख देंगे m2, और ये टर्म जीरो है क्योंकि u2 जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाए तो v2 की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि m1 अपॉन m2 क्या है, m1 अपॉन m2 जीरो होगा, m2 बहुत बड़ी वैल्यू है उससे m1 बहुत छोटी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, तो अर्थ नेक्स्ट में ही रहेगी। अर्थ बिफोर कोलिजन भी नेक्स्ट में थी और अर्थ आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट में ही रहेगी, वी टू जीरो हो जाएगा। तो v2 जीरो रहेगा